नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। पूरे देश में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने भी इसमें हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि 10 लाख रुपए का टेंडर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने निकाला था, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का सप्लाई ठेकेदार ने किया है। ये फटा हुआ है, और आपको बता दें कि जितने भी झंडे हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, सबके जो व्हाइट कलर के ऊपर आप देखोगे तो सब पे कलर उभर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके के ये झंडे हैं, किस तरीके की सप्लाई हो रही है। आपको बता दें कि क्वालिटी क्या है, आप देखिए। जबकि 10 लाख रुपए में ये टेंडर दिया गया था, पिछले सप्ताह ही इसका टेंडर नोटिस निकला था। और खास बात यह है कि ये टेंडर नोटिस हमारे सिटी न्यूज अखबार में ही प्रिंट हुई है। आपको बता दें कि क्वालिटी को लेकर के और झंडे में जिस तरीके के कलर दिख रहे हैं, चाहे आगे से देखो, पीछे से देखो, कहीं से भी देखो, आप कहीं पर भगवा कलर आ गया है, कहीं पर ग्रीन कलर आ गया है, पूरे झंडों में इस तरीके के कलर मौजूद है। मैं आपको जो पत्रकारों को देने के लिए महानगर पालिका द्वारा जो दिया जो है उसमें के कुछ आपको मैं बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके के ये झंडे हैं, किस तरीके के कलर इसमें है। ये देखिए ये पत्रकारों को दिया जा रहा है इस तरीके के। क्या इस तरीके के झंडे देना राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है या अपमान है? ठेकेदार को खुली छूट किसकी है, इस बात की यहाँ पे चर्चा हो रही है। आप देख सकते हैं इस तरीके के झंडे सप्लाई ठेकेदार ने किया है। अब देखना यह है महानगर पालिका के IAS अधिकारी संजय काटकर उस ठेकेदार पर क्या कार्रवाई करते हैं। और जो पब्लिक में बांटे जा रहे हैं उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन जो पत्रकारों को दिया गया है उसका मैं आपको ये सब नज़ारा बता रहा हूँ। और मैं इस वक्त महानगर पालिका के प्रेस रूम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों झंडे दिए गए हैं, और हर झंडे में कोई ना कोई नुक्स है। कुल मिला के जो ठेकेदार ने सप्लाई दी है, झंडों में नुक्स है, कलरफुल है, हर जगह कलर लगा हुआ है, या तो फटा हुआ है, साइड से जिसमें हम डंडी लगाते हैं उसकी सिलाई भी उधड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके की सिलाई उधड़ी हुई है। महानगर पालिका को जो ठेकेदार ने झंडा सप्लाई किया है, आप देख सकते हैं इन झंडों पर कौन सा कलर है, किस तरीके की क्वालिटी है। और आपको बता दें यही क्वालिटी लगभग शहर में लोगों को दी जा रही है। और आपको खास बात बता दें, इससे पहले भी इस तरीके का अभियान चलाया गया था, तो उस समय जो है बाकायदा झंडे के साथ इसमें डंडा भी लगाया गया था। इस बार बजट भी ज़्यादा है और झंडे में से डंडा गायब है। सरकार ने जिस तरीके के राष्ट्रीय ध्वज दिए हैं, आप देख सकते हैं प्रेस रूम में ये लगा हुआ है। आपको बता दें कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि जो कलर है, कलर की साइज क्या होगी, अशोक चक्र कहाँ आएगा। आप देख सकते हैं ये कितना अंदर आ गया है और इस साइड में कितनी जगह है, और ऊपर का भी आप देख सकते हैं जो भगवा कलर है ग्रीन से ज़्यादा है। उसी तरीके से मेरे पास एक और झंडा है, इसमें आप कलर के साथ साथ इस झंडे में आप देख सकते हैं ये क्या क्वालिटी का झंडा सप्लाई किया जा रहा है। ये देखिए इस तरीके की ये क्वालिटी है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कैसा झंडा है, और ये सब ठेकेदार की लापरवाही। ये देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो अशोक चक्र है कहाँ जा रहा है और कहाँ पर है, उसके आगे पीछे नीचे ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो पूरी तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का ये अपमान है। इस संदर्भ में तो ठेकेदार के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज महानगर पालिका को करना चाहिए। जिस तरीके के राष्ट्रीय ध्वज ठेकेदार ने महानगर पालिका को सप्लाई किए हैं, उस संदर्भ में हमने ये विध प्रमाण जो है उपायुक्त और आस्थापना विभाग के प्रमुख यानी रवि पवार से मुलाकात की, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी किसी तरीके की प्रतिक्रिया दी नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें भी जस्ट पता चला है, इस संदर्भ में वो जानकारी लेंगे। जैसा कि आस्थापना के प्रमुख रवि पवार से हमने बात की, उन्होंने जवाब देने से टाल दिया था। वहीं पर इस मामले को हमने महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर से बात की, उन्होंने साफ कहा कि ठेकेदार ने गलत तरीके से झंडे की आपूर्ति की है, हमने उसे रोक दिया है, उसका बिल पास नहीं किया जाएगा और इस तरीके की कोताही को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।